नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं शारदीय नवरात्रि 2021 के नवरात्रि कब स्थापित होंगे और क्या होंगे। इसी के साथ ही दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस नवरात्रि के दौरान या नवरात्रि से पहले अपने घर आप यह चीज़ें लेकर आ जाते हैं तो दोस्तों समझ लीजिए साक्षात माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहता है और आपके घर परिवार के अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। दोस्तों, शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का बखान किया गया है। नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करने का विशेष विधान रहता है और इससे आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा अपने भक्तों से हर कष्ट हर लेती है। दोस्तों, देवी माँ के पावन 9 दिन का पर्व, इस बार की बात करें तो अश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 7 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ होगा और 14 अक्टूबर तक चलने वाले इन दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। 15 अक्टूबर को धूमधाम के साथ दोस्तों विजयदशमी यानी कि दशहरा मनाया जाएगा। इस दिन दुर्गा विसर्जन भी किया जाएगा। दोस्तों, शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का अलग अलग बखान किया गया है और उनके पूजा की पाठ करने से आपको अलग पुण्य की प्राप्ति होती है और आपके जीवन के अंदर माँ दुर्गा की विशेष कृपा देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर बात करें इस दिन कब है घट स्थापना तो नवरात्र के प्रथम दिन के साथ 9 दिनों के लिए माँ देवी का पूजन किया जाएगा। घट स्थापना में कुछ विशेष नियम हैं जिनका पालन करना जरूरी है। दोस्तों, घट स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष रूप से ध्यान रखें। 7 अक्टूबर को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:14 से सुबह 7:07 का है। इसी समय घट स्थापना करने से शारदीय नवरात्रि बहुत ज़्यादा फलदायी होंगे और आपको भी धन लाभ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार की नवरात्रा शुरू होने से पहले आप अपने घर के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आ जाएं जो आपको निश्चित तौर पर धनवान बना देती है और ऐसी चीज़ें कभी भी आपके घर परिवार के अंदर कमी नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि दोस्तों इन चीज़ों के साथ साक्षात माँ दुर्गा का विशेष लगाव होता है जिसकी वजह से ही आपको धन की और आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ है कमल। दोस्तों, कमल देवी लक्ष्मी का बहुत प्रिय पुष्प, बहुत प्रिय फूल माना जाता है। नवरात्रि में कमल या कमल का फूल उसे संबंधित चित्र घर के अंदर लेकर आते हैं तो इससे आपके घर के अंदर साक्षात माँ भवानी माँ दुर्गा आपके घर के अंदर रहने के लिए आती है और आपको धन लाभ प्राप्त करवाती है। इसी के साथ ही 9 दिनों के लिए साक्षात देवी आपके घर के अंदर रहने लग जाती है। इसी तरह दोस्तों, इस बार की नवरात्रि विशेष तौर से दोस्तों देखा जाए और धन प्राप्ति का योग लेकर आई है। आपके घर परिवार के अंदर आप चाहते हैं धन प्राप्ति हो और धन के मामलों के अंदर आपको बरकत देखने को मिले तो दोस्तों इस नवरात्रि के दौरान आपको एक सोने या चांदी या किसी प्रकार का धातु का एक सिक्का अपने घर के अंदर जरूर लेकर आएं, लेकिन ध्यान रहे कि सिक्के पर माता लक्ष्मी या भगवान श्री गणेश का चित्र या माँ दुर्गा का साक्षात चित्र होता है। तो समझ लीजिए कि आपके घर परिवार के अंदर कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं आती और आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसी तरह दोस्तों, एक चीज़ और है कि अगर दोस्तों आपको पता ही होगा कि नवरात्रि समाप्त होने के 15 दिवस बाद दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है और इससे पहले ही नवरात्रि के अंदर ही माता लक्ष्मी को मनाने की और माता लक्ष्मी की पूजा करने का काम शुरू हो जाता है। तब आप क्या करें, इस बार की नवरात्रि के दौरान ही कमल पर विराजित माँ दुर्गा की या फिर आप माता लक्ष्मी की और माँ देवी की तस्वीर आप अपने घर के अंदर लेकर आएं और ऐसी तस्वीर लाकर आप अपने घर के पूजा घर के अंदर आप उन्हें विराजमान कर दें। और दोस्तों, पहले से आपके घर के अंदर ऐसी तस्वीर है तो
आप रोजाना उन्हें हजारे का या लाल पुष्प आप गुलाब का फूल आदि अर्पित करें दीपावली आने तक, ताकि उनके हाथों से आपके घर के अंदर धन वर्षा होगी और आपके जीवन के अंदर अच्छी चीजें देखने को मिल जाती हैं। इसी तरह दोस्तों नवरात्रि में माँ सरस्वती का प्रिय मोर पंख अपने घर के अंदर लाकर अपने मंदिर के अंदर रखने के कई फायदे होते हैं। मोर पंख दोस्तों आप क्या करें, अपने घर की अलमारी, अपने घर की तिजोरी या आप अपने व्यापारिक स्थल पर रख दें, निश्चित तौर पर आपको धन लाभ प्राप्त होगा, बच्चों को विद्या की प्राप्ति होती है और आपको आपके परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है। माँ सरस्वती और माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिल जाता है। इसी तरह दोस्तों माँ भवानी की जब पूजा की जाती है तब उन्हें 16 श्रृंगार करवाए जाते हैं और स्त्रियां भी 16 श्रृंगार करने के बाद माँ भवानी की पूजा करती हैं। तो दोस्तों आप क्या करें, इस नवरात्रि के दौरान या नवरात्रि से पहले आप अपने घर के अंदर 16 श्रृंगार की सामग्री लेकर आ जाएं और दोस्तों उसके बाद उसे अपने घर के अंदर स्थापित माँ दुर्गा की चौकी पर आप हमेशा रखें या माँ दुर्गा के सामने 16 श्रृंगार की सामग्री रखें। और दोस्तों जब नवरात्रि के अंतिम दिन हो तब आप इसे स्वयं इस्तेमाल करें या ना करें, लेकिन किसी सुहागिन महिला को यह ज़रूर भेंट कर दें, ताकि सुहागिन महिला को भेंट करने से आपको अच्छे सुहाग की प्राप्ति अर्थात कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा जाता है और आपके वैवाहिक जीवन के अंदर किसी प्रकार की कोई खलल नहीं पड़ती है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसी चमत्कारी चीज़ों के बारे में जो आपको अपने घर के अंदर इस नवरात्रि के दौरान ज़रूर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है किसी प्रकार की कोई ऐसी माला जो आपको पुण्य की प्राप्ति हो या आपकी राशि के अनुरूप, जैसे कि आप स्टफिक की माला लेकर आ जाएं, आप कमल गट्टे की माला लेकर आ जाएं, आप रुद्राक्ष की माला लेकर आ जाएं, आप मूंगे की माला लेकर आ जाएं। दोस्तों यह मालाएं आप किसी अच्छे ज्योतिषी की सलाह लें और नवरात्रि के दौरान आप अपने घर के अंदर इन्हें ज़रूर लेकर आएं, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और आप इन माला का रोजाना माँ दुर्गा के मंत्र जाप करते समय आपको पहनना चाहिए, ताकि आपको धन लाभ प्राप्त हो जाएगा और आपके घर परिवार के अंदर कभी भी को किसी चीज़ की कमी देखने को नहीं मिलेगी। इसी तरह दोस्तों इस बात का एक और ध्यान रखें कि अगर आप आपके पति की लंबी उम्र चाहते हैं या आप अपने वैवाहिक जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं तब आप क्या करें, इस नवरात्रि आने से पहले आप सुहाग से जुड़ी हरी चूड़ियाँ अपने घर के अंदर लेकर आ जाएं या फिर आप लाल सुरकर। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें जो भी आप चूड़ियाँ लेकर आते हैं उसे एक रंग की ही लेकर आएँ और एक रंग की लेकर आने के बाद आप क्या करें कि आप इन्हें पूरे 9 दिनों के दौरान माँ दुर्गा का पूजन करते समय माँ दुर्गा की तस्वीर के आगे रखें या माँ दुर्गा को पहनाएं और आप उनकी पूजा करें और उसके बाद आप क्या करें, इसे आप स्वयं माता दुर्गा का आशीर्वाद मानकर धारण कर लें अर्थात अपने हाथों के अंदर पहन लें, या फिर आप क्या करें किसी अन्य महिला को आप अपने घर के अंदर आप इसे दे दें, ताकि आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है और आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहता है। इसी तरह दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के अंदर नवरात्रि के माध्यम से खुशी आ जाए तो आप इन नवरात्रि के दौरान अपने घर के अंदर एक तुलसी का पौधा और दोस्तों दूसरा पौधा आप केले का, इसे आप अपने घर के अंदर लाकर स्थापित कर दें, जिससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, आपके घर परिवार के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है और कभी भी धन के मामलों के अंदर आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों यह थी ऐसी चीज़ें जो आपको इस नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दौरान अपने घर के अंदर ज़रूर लेकर आनी चाहिए, ताकि आपको धन लाभ की प्राप्ति होती है और आपको पुण्य देखने को मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।